हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का 17th चैप्टर यानी कि यूनिवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा मेक अप द यूनिवर्स, यानी कि हमारा यूनिवर्स इन सब चीज़ों से मिलके बना है। इवन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट स्पेस कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इंटरेस्टिंगली द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली बींग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। सो लेट अस स्टडी कि हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड। ऑफ ऑल यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ था इसके पीछे थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिफोर द बिग बैंग थ्योरी एवरी वन थॉट दैट यूनिवर्स वॉज इनफाइनाइट एंड एजलेस। सो वट इज बिग बैंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अ ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग ऑकर्ड, फॉलोइंग विच द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड। यानी कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सालों पहले एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी। Since then the universe has been constantly expanding, यानी कि तब के बाद हमारा यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। सो एस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच, एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून्स के बारे में एक्सेट्रा। तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। पीपल हु और पीपल जो लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाई एस्ट्रोनॉमर इज द टेलीस्कोप। यानी कि टेलीस्कोप का यूज़ एस्ट्रोनॉमर ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं स्काई एट नाइट की। स्टार्स आर सीन इन द स्काई इन ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन इट। यानी कि रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं स्काई में, और ये जो स्टार्स होते हैं ये ग्रुप में होते हैं। एंड ईच ग्रुप हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन इट। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। द सन, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई ये बिलोंग करते हैं गैलेक्सी को, विच इज़ कॉल्ड एज मिल्की वे गैलेक्सी, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आकाश गंगा। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये है हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, यानी कि इसकी शेप होती है स्पाइरल। एज यू कैन सी इट इज़ अ स्पाइरल शेप। ओके, एंड इट अपीयर्स लाइक अ बैंड ऑफ लाइट शाइनिंग अक्रॉस द स्काई। इट इज अज्यूम दैट देर आर सम 10 to 10 to the power 11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी कंटेन 10 to the power 11 स्टार्स इन इट। यानी कि ऐसा माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स की। व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ गैलेक्सी। यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स की, वैसे ही हमारी जो गैलेक्सी है वो स्टार्स की बनी होती है। स्टार्स आर मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। स्टार्स किसके बने होते हैं? स्टार्स होते हैं बर्निंग गैसेस, यानी गैसेस के बहुत बड़ी बॉल्स होती हैं। दीज आर ह्यूज सेलेशियल बॉडीज विच आर एक्सट्रीमली हॉट एंड एमिट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ये खुद की लाइट एमिट करते हैं। दे आर और ये मोस्टली बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसेस के। सन है, सन इज ऑल्सो स्टार। द सन इज द स्टार विच इज, यानी कि सन एक ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के सबसे करीब है। द सन लुक्स मच बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ मच नियरेस्ट टू अस देन एनी अदर स्टार। यानी कि सन हमें इतना बड़ा और इतना ब्राइटर क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है। दो मैनी अदर स्टार्स आर बिगर एंड ब्राइटर देन द सन बट दे लुक स्मॉल एंड फेंट। काफ़ी सारे स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे सन से बड़े हैं लेकिन वो हमें छोटे और काफ़ी हल्के दिखाई देते हैं, फेंट, यानी कि जो इतनी ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करते हैं बिकॉज वो हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। स्टार्स को हम खाली नाइट में देख सकते हैं। दो द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई इवन ड्यूरिंग द डे टाइम बट वी कैन नॉट सी दैम ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। सन की ब्राइट लाइट की वजह से हम लोग स्टार्स को दिन में नहीं देख पाते, हालांकि वो दिन में होते ज़रूर हैं। द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें स्टार्स दिखाई देते हैं कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
द सन ऑल्सो अपीयर टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए यही रीजन है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. There is a star which appears to be stationary when viewed from the surface of the earth, and this stationary star is called pole star or ध्रुव तारा. एक ऐसा स्टार है जो हमें स्टेशनरी यानी कि एक ही जगह पर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं पोल स्टार और ध्रुव तारा. द पोल स्टार इज सिचुएटेड एग्जैक्टली अबव द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स इट्स नॉर्थ पोल. ओके, सो यहाँ पर हमें दे रखा है स्टार्स के बारे में, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट यूनिट्स इन एस्ट्रोनॉमी. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स इन एस्ट्रोनॉमी. सो द सन इज़ ऑल्सो स्टार. इन फैक्ट द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. द मेन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट इतना, यानी कि इतना डिस्टेंस होता है हमारे सन का हमारी अर्थ से. All the other stars are at a distance which is millions of times greater than this distance. Since light travels, light की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकेंड्स में सन से निकलने वाली लाइट हमारी अर्थ पर पहुँचती है. कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. The closeness of the sun to the earth makes it brighter and hot. The mean distance between the sun and the earth is used as a unit of length in astronomy and is called one astronomical unit, यानी कि AU, ठीक है. यानी कि जो मेन डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन एस्ट्रोनॉमी. और इस यूनिट ऑफ लेंथ को हम लोग बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1 AU, ठीक है. सो 1 AU इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ किलोमीटर और 1.5 × 10⁻¹ मीटर अप्रॉक्सीमेटली. अदर स्टार्स आर एट अ सच अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ दैट इट टेक मैनी ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अस, ठीक है. काफ़ी सारे स्टार्स इतने दूर होते हैं हमारी अर्थ से कि उनकी लाइट को हमारे अर्थ पे पहुंचने में बहुत सारे साल लग जाते हैं. एग्जांपल, अल्फा सेंटोरी इज़ द सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि सन के बाद अल्फा सेंटोरी ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के बेहद करीब है, यानी कि इट इज़ अबाउट 4 × 10⁻³ किलोमीटर अवे. इन एस्ट्रोनॉमी सच लार्ज डिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल लाइट, यानी कि इतने बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एक यूनिट जिसका नाम है लाइट ईयर. सो वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वन ईयर. सो वन लाइट ईयर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू, यानी कि लाइट को हमारी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यानी कि 365 डेज होते हैं, 24 hours and 60 minutes, यानी कि 9.46 × 10⁻½ किलोमीटर, और ये होती है मीटर. सो अल्फा सेंटोरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है. तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग यूज़ करते हैं लाइट ईयर्स की यूनिट को. कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म सम रिकग्निजेबल शेप और पैटर्न इज नोन एज अ कॉन्स्टलेशन, यानी कि स्टार्स का वो ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर शेप या पैटर्न फॉर्म करता है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन. दीज वर नेम्ड बाय द एंशियंट पीपल रिलेटिंग टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. द शेप ऑफ द ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहती है उनकी शेप. Our ancestors named these stars group or constellations after the objects which they seem to resemble. Today 88 constellations हैं जो कि astronomers recognize कर चुके हैं, and each constellation has been given a name signifying an animal, a human being or some other object which it appear to resemble. Okay? तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं various constellations की. पहला है अर्सा मेजर और ग्रेट बियर, यहाँ पे आपका डायग्राम दे रखा है. अर्सा मेजर और ग्रेट बियर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइटली शाइनिंग स्टार्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ पैटर्न रिजेंबलिंग अ बिग बियर, यानी कि इसकी शेप होती है बिग बियर जैसी, और यहाँ पे आपके 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7. 3 स्टार्स फ्रॉम द टेल एंड 4 स्टार्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द बियर, इस तरीके से, ठीक है. द फेस एंड द लेग्स ऑफ द बिग बियर आर फॉर्म बाय सम, यानी कि यहाँ पे जो फेस होता है और जो इसकी लेग्स होते हैं वो कुछ दूसरे स्टार्स फॉर्म करते हैं जो बहुत ही फेंट होते हैं.
अर्सा मेजर कैन बी क्लियरली सीन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई ड्यूरिंग समर. समर में आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हो इन नॉर्दर्न पार्ट. इन हिंदी इसको हम लोग कहते हैं सप्तऋषि मंडल. नेक्स्ट है अर्सा माइनर और लिटिल बियर. ठीक है, दिस कॉन्स्टलेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवन स्टार एंड द स्टार्स एट द एंड ऑफ द डिपर हैंडल इज द पोलरिस कॉमनली नोन एज द पोल स्टार. यानी कि जो स्टार बिल्कुल एंड में है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोलरिस, इसको पोल स्टार बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू स्पॉट दिस कॉन्स्टलेशन सिंस इट इज़ नॉट सो ब्राइट. यानी कि इस कॉन्स्टलेशन को देखना इतना ईजी नहीं होता क्योंकि ये इतना ज़्यादा चमकता नहीं है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है. ये ओरियन की बात करते हैं, इट इज़ द कॉन्स्टलेशन विथ एट ब्राइट स्टार्स. यहाँ पे आपके एट बहुत ही चमकते हुए स्टार्स होते हैं विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ हंटर. ठीक है, द इंडियन नेम, इंडियन नेम इसको बोलते हैं ओरियन या मृगा. द मिडल थ्री स्टार्स फ्रॉम द बेल्ट. ठीक है, जो मिडल थ्री स्टार्स है वो बेल्ट फॉर्म करते हैं. एंड द सोर्ड शील्ड एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हंटर. ठीक है, दिस कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ विंटर स्काई एंड कैन बी ईजिली सीन ऑन ए विंटर नाइट. यानी कि विंटर में, नाइट में आप इस कॉन्स्टलेशन को ईजिली देख सकते हो. ओरियन ऑल्सो हेल्प्स अस टू लोकेट अदर मेजर स्टार्स इन द स्काई, सॉरी स्काई. वेरी ब्राइट स्टार नियर द ओरियन कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड द साइरिस स्टार. यानी कि बहुत ही चमकता हुआ स्टार जो कि ओरियन के बहुत ही पास होता है उसको हम कहते हैं साइरिस स्टार. नेक्स्ट है आपका स्कॉर्पियस. ये आपका स्कॉर्पियस है, यहाँ पे आपके सेवन स्टार्स होते हैं और ये एक स्कॉर्पियन की शेप में अरेंज होता है कंप्लीट विद अ टेल एंड द पिंसर्स. इट इज़ विजिबल इन समर. नेक्स्ट है आपका पीरियड्स. ये आपका, इट इज़ एन ओपन क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ये आपका पीरियड्स है विच बिकम, ये आपका विंटर स्काई में बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है. यहाँ पे स्टार्स की कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है और इसका इंडियन नेम होता है कृतिका. इसके बाद है आपका कैसियोपिया. इट इज़ विजिबल इन द फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विंटर. ये आपका कैसियोपिया है एंड इट हैज़ फाइव स्टार्स विच फॉर्म द शेप लाइक एम और डब्ल्यू. एंड दिस कॉन्स्टलेशन कंप्राइजेस सेवरल स्टार क्लस्टर्स, ईच क्लस्टर हैविंग इन्यूमरेबल स्टार्स. ओके, चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की. द सन एंड एट प्लैनेट्स देयर मून्स एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम. ये आपकी सन है और ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सन के बारे में. द सन इज एक्चुअली स्टार, मतलब मैंने बताया सन एक स्टार है एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर, सेंटर में होता है ये एंड इट इज़ अ यहाँ पे हॉट गैसेस का एक गोला इसको माना जाता है. मेनली यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और हीलियम और रिमेनिंग 1% यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. सन मेक्स अप मोर देन 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ अबाउट 110 टाइम्स ज़्यादा वाइड होता है देन द अर्थ एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. और यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लग जाते हैं सन की लाइट को अर्थ पे पहुँचने में. सन का टेम्परेचर होता है इतना, सोचो 1 10 100 1000 10000 1 lakh 10 lakh, यानी कि 1 crore 40 lakh डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग द मून. अब बात करते हैं प्लैनेट्स की. प्लैनेट्स आपके हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं ना फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ. प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस, यानी प्लैनेट्स अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते. देर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम और ये सारे उनके नाम हैं. All the planets in the solar system revolve around the sun along the definite path and in the same plane. The path of revolution of a planet around the sun is called orbit. यानी कि सभी के सभी planet अपने अपने same path पे sun के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं और जो उनका path होता है उसे हम कहते हैं orbit. So during the revolution, planets also rotate on their own axis from west to east except Venus. ठीक है, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट. यानी कि प्लैनेट्स जो होते हैं दे रिवॉल्व और वी कैन से दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस बिकॉज दे यूज टू रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यानी कि सभी प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ ऑल्सो दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट वीनस एंड यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द टाइम टेकन बाई अ प्लैनेट टू कम्प्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड प्लैनेट्स रोटेशन पीरियड एंड वी कैन सी अ प्लैनेट ओनली इन द नाइट स्काई व्हेन इट रिफ्लेक्ट सनलाइट. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मरकरी. सो लेट अस स्टडी अबाउट मरकरी, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. सो हियर मरकरी इज द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन
इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. द प्लैनेट मर्करी कैन बी सीन आइदर एज अ मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर सनराइज और एज एन इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट. सो मर्करी कैन बी सीन एज अ मॉर्निंग स्टार बिफोर सनराइज और इट कैन बी सीन एज एन इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट. ओके, सो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम टू द सन एंड इट कैन बी सीन एज अ स्टार. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. प्लैनेट मर्करी शोज फेसिस लाइक द मून. मून की तरह वेरियस फेसिस शो करता है मर्करी. नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट मर्करी एंड इट हैज़ नो सैटेलाइट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुध ग्रह इन हिंदी. Next is the Venus, which is the hottest planet of the solar system. And Venus is the brightest planet seen from the Earth. It rotates on its axis from east to west. Just now I told you that Venus is the planet which rotates from east to west. And it is also called as evening and morning star because it can be seen after the sunset or before the sunrise by the naked eye. And it has a covering of a cloud made up of carbon dioxide which prevent the heat from the sun to escape from the planet. And इसी वजह से this planet is also called as the hottest planet. And just like Mercury, it has also no satellite and it is also called as Shukra Graha in Hindi. Next is the planet Earth and it is the only living planet of the solar system. It is also called as blue planet. It has 71% of the Earth's surface covered with water and it appears blue when we view the planet Earth from the outer space due to reflection of sunlight from water. Okay, so because of the reflection of light from water, it appears as a blue planet from the outer space. However, the soil on the Earth appears green or brown from the outer space. The soil present on the Earth, it appears in the color of green or brown from outer space. The Earth has one natural satellite which is called as Moon and Earth planet is also called as Prithvi Graha in Hindi. So here the complete chart of all the 8 planets is given to you and their average distance from the Earth, then diameter at equator, time to orbit Sun means how many days they are completing one rotation. Then time, this is the duration of revolution, this is the time of rotation and whether they have moon or not, here it is given. So next is the Mars. Mars is the red planet because its surface appears red. It is visible from the Earth for most part of the year. Mars is nearly half of the size of the Earth. Mars has two natural satellites and it is also called as Mangal Graha in Hindi. Next is Jupiter. It is the largest planet and it is 1300 times, it has more volume than the Earth, but its weight is about 318 times that of the Earth. And it is a very cold planet. It appears to be very bright object in the night sky. बहुत ही चमकते हुए object की तरह हमें दिखाई देता है night sky में. यहाँ पे mostly present होते हैं hydrogen and helium gases. And it has 28 satellite and it is also called as Brihaspati Graha in Hindi. Saturn, sixth planet, okay, and planet from the sun and the second largest planet. First largest, Jupiter. Second largest, Saturn. It is also made up of hydrogen and helium gases. It is 700 times bigger than the Earth. It is the only planet with a system of well-developed rings and circling it. यानी कि इस planet के बाहर rings की एक circle present होती है. Saturn has the maximum number of satellite of the solar system. It has 38 satellite and it is also called as Shani Graha in Hindi. Next is the Uranus. It is the seventh planet from the sun. It is not visible to the naked eye and became the first planet discovered with the use of a telescope. Telescope के through हमने Uranus को discover किया था. And it is very cold and windy. The ice giant is surrounded by 13 faint rings. यानी कि यहाँ पे आइस के बहुत बड़े बड़े गोले यहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड इट हैज़ 27 स्मॉल मून्स. यूरेनस इज मेड अप ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया फ्लूड अबव अ स्मॉल रॉकी सेंटर. इट्स एटमोसफियर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम. इट ऑल्सो हैज़ मीथेन एंड द मीथेन मेक्स यूरेनस. मीथेन की वजह से यूरेनस हमें ब्लू कलर में दिखाई देता है. Neptune is the eighth planet and the far, बहुत ही दूर planet है from the sun in the solar system. It is the farthest planet, okay?
इन द सोलर सिस्टम इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट बाय डायमीटर, यानी कि डायमीटर बाय डायमीटर इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट एंड द थर्ड मोस्ट मैसिव यानी कि हैवी प्लैनेट एंड डेंसेस्ट जायंट प्लैनेट. नेपच्यून 17 टाइम्स यानी कि अर्थ से 17 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे इसका मास होता है. नेपच्यून हैज़ एन इनक्रेडिबली थिक एटमॉस्फियर, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हीलियम और 1% मीथेन यहाँ प्रेजेंट होता है. इट्स एटमॉस्फियर आल्सो कंटेन यहाँ पे आइसी क्लाउड्स होते हैं एंड फास्टेस्ट विंड्स रिकॉर्डेड इन द सोलर सिस्टम एंड नेपच्यून हैज़ 14 मून्स. नेक्स्ट इज प्लूटो. अर्लियर प्लूटो वॉज, पहले प्लूटो को हम लोग 9th स्मॉलेस्ट और फार्देस्ट प्लैनेट हम लोग सोलर सिस्टम का मानते थे, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन USA रीडिफाइन द प्लैनेट. प्लूटो कुड नॉट फुलफिल द डेफिनेशन एंड दस वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट. प्लूटो जो है एक प्लैनेट में जो भी फीचर्स होने रिक्वायर्ड हैं वो प्लूटो में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया. नाउ प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. अ ड्वार्फ प्लैनेट डज नॉट हैव अ क्लियर स्पेस अराउंड इट एंड प्लूटो हैज़ ऑल्सो वन मून. अदर हेवनली बॉडीज कौन कौन सी प्रेजेंट है हमारे हमारे यूनिवर्स में. पहली है एस्टेरॉयड. देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ रॉक्स और मेटल दैट ऑर्बिट द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो पत्थरों के बने होते हैं, फिर मेटल्स के बने होते हैं, जो कि हमारे सन के बाहर चक्कर काटते रहते हैं. इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड, यानी कि एक बहुत बड़े पत्थर का टुकड़ा. दिस क्लस्टर ऑफ एस्टेरॉयड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एस्टेरॉयड बेल्ट. ठीक है, यानी कि जो बेल्ट बनती है जब भी चक्कर लगाते हैं अर्थ के बाहर, तो इसको हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं एंड इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. इसके बाद है कॉमेट. हेवनली बॉडीज हैं, ये डस्ट और आइस के बने होते हैं. दीज कॉमेट ये हमारी सन के बाहर चक्कर लगाते हैं इन हाईली इलोंगेटेड ऑर्बिट. दे कम क्लोज टू द सन ओनली ओकेशनली ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम बिकॉज देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज़ वेरी लार्ज. यानी कि सन के पास बहुत ही कम आते हैं क्योंकि इनका जो रिवोल्यूशन का टाइम है बहुत ही ज़्यादा होता है. When a comet approaches the sun, it forms a long glowing tail of gas and dust particle with a bright head. यानी कि जब ये सन के बहुत ही पास आते हैं तो ये एक टेल फॉर्म करते हैं, टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल एंड इनका हेड होता है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट. जस्ट यू कैन सी इन द पिक्चर. द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स, यानी कि जो टेल है इट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन. मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स क्या होते हैं. मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स आर द टाइनी ब्रोकन रॉक पार्टिकल ऑफ कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स लेफ्ट फ्लोटिंग इन फ्री स्पेस. यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं. व्हेन दीज रॉक पार्टिकल्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर एट हाई स्पीड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस. यानी कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फियर में एंटर करते हैं बहुत ही हाई स्पीड से, तो वहाँ पे प्रेजेंट फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है एंड दिस हीट जो है वो मेटियोर को बर्न करती है. अ बर्निंग मेटियोर अप्रोचिंग द अर्थ appear as a streak of light from the earth's surface and being tiny meteors are burned within a few seconds. यानी कि बहुत छोटे होने की वजह से वो कुछ ही सेकेंड्स में completely burn कर जाते हैं and only their dust reaches the earth. सिर्फ उनके dust particles ही हमारी earth पे पहुँच पाते हैं. When meteors do not burn completely in the earth atmosphere, they land on earth's surface in the form of rocks. Okay? And these half-burned rocky particles are calling, हम बोलते हैं meteoroids. मून के बारे में पढ़ते हैं. अ सेलेशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड नोन एज सैटेलाइट. यानी कि जो भी सेलेशियल बॉडी एक प्लैनेट के बाहर रिवॉल्व करती है उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं. ऑल द प्लैनेट यानी कि मरकरी एंड वीनस को छोड़ के सभी प्लैनेट्स के पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं. द मून इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. यानी कि अर्थ के पास सिर्फ मून ही है जो नेचुरल सैटेलाइट है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन. बिकॉज द मून इज नियरर टू द अर्थ इट अपीयर टू बी मच बिगर देन द स्टार्स. यानी कि मून जो है अर्थ के इतने पास होने की वजह से बहुत ही बड़ा हमें दिखाई देता है एज कम्पेयर टू अनदर स्टार्स. एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून इज इतना. ओके, सो ऑलमोस्ट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ वो होते हैं 28 डेज एंड 8 आवर्स और वी कैन से 27.3 डेज. ओके, सो नेक्स्ट इज द मून सरफेस इज मेड अप ऑफ. मून सरफेस मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स. क्रेटर्स का मतलब गड्ढे. क्रेटर्स आर सॉसर शेप्ड होल्स. यानी कि होल्स होते हैं मून पे बहुत सारे
फॉर्म्ड व्हेन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स फ्रॉम द स्पेस हिट द मून सरफेस, यानी कि जब एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मून के सरफेस से टकराते हैं तो मून के सरफेस पे एक बहुत बड़ा क्रेटर फॉर्म हो जाता है। देर आर मैनी स्टीप एंड हाई माउंटेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, सो एटमॉस्फियर कैसा होता है? मून हैज़ नो एयर, सो इट हैज़ नो एटमॉस्फियर। सिंस साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल एंड मून हैज़ नो एयर, यू कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून। मून पे आप कोई आवाज़ जो है वो नहीं सुन पाओगे, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फियर एंड अनफेवरेबल टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 123 डिग्री सेल्सियस टू 233 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे ये होती है टेम्परेचर की रेंज। वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून, दिस इज बिकॉज द मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, क्योंकि जो मून है वो उसी एक्सिस पे रोटेट करता है जिस एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेट करती है, अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। दिस रिजल्ट्स इन द सेम फेस टर्न टुवर्ड्स द अर्थ एट ऑल द टाइम्स। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस फेसेस ऑफ द मून? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलोन विद द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, सो मून जो है अलोन विद द मून, यानी कि जो अर्थ है वो मून के साथ साथ सन के सराउंडिंग में उसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट टूवर्ड्स द अर्थ एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सरफेस ऑफ द मून गेट इल्यूमिनेटेड। हैंस वी सी ऑलमोस्ट नो फेस ऑफ द मून एंड समटाइम्स द होल सर्कुलर फेस ऑफ द मून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव, यानी कि जो सन है सन की रिलेटिव पोजिशन पे अगर हम डिपेंड करें तो द मून एंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन द मून एंड द अर्थ, यानी कि इन तीनों की जो पोजिशन है उस पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सरफेस ऑफ द मून गेट इल्यूमिनेटेड, यानी कि हर बार मून के जो हैं अलग अलग फेसेस जो है इल्यूमिनेट होते हैं। ठीक है, ओके, सो द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एज द फेसेस ऑफ द मून। सो नेक्स्ट इज व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, देन द साइड ऑफ द मून लिट बाय द सन इज अवे फ्रॉम द अर्थ एंड द साइड ऑफ द मून विच इज टूवर्ड द अर्थ इज डार्क। इन दिस पोजिशन यू डू नॉट सी द मून एट ऑल, दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। यानी कि जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, देन द साइड ऑफ द मून लिट बाय द सन इज अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मून के जिस पार्ट पे सन लाइट पड़ती है वो पार्ट हमारी अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमें खाली मून का डार्क पार्ट ही दिखाई देता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यू मून। ओके, नेक्स्ट, एज द मून अवे इन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ यू कैन सी अ स्मॉल, यानी कि जैसे जैसे जो मून है वो मूव करेगा अपनी ऑर्बिट पे अर्थ के अराउंड, यू कैन सी अ स्मॉल सनलिट पोर्शन ऑफ द मून सरफेस, दिस इज कॉल्ड द क्रीसेंट मून। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग, यानी कि जैसे जैसे मून अपने ऑर्बिट पे मूव करना शुरू करेगा अर्थ के अराउंड में, हम उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो देख सकते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं क्रीसेंट मून। एंड जैसे जैसे मून का जो शाइनिंग पार्ट होता है वो विजिबल होगा, इंक्रीज होता जाएगा डे बाय डे, उसे हम लोग कहते हैं वैक्सिंग। एज द मून मूव्स फर्दर यू सी हाफ ऑफ द मून, इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, जब हमें उसका हाफ पार्ट इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर। As the moon moves further, you see more than half of the moon. It is called as gibbous moon. Okay, and after 2 weeks, the whole sunlight of the moon is towards the earth, and this is called as full moon. Okay, so ये सारे moon के faces होते हैं। पहला होगा new moon, फिर first quarter, फिर gibbous moon and full moon. After full moon day, the sunlit portion of the moon facing the earth becomes smaller and smaller again, and the decreasing in size of the lighted part of the moon is called as waning. जब lighted part में increase होता है उसे हम कहते हैं waxing, जब वो decrease होता है उसे हम कहते हैं waning. मून लैंडिंग्स की बात करते हैं। ऑन 20th of July 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रीन बिकेम द फर्स्ट मैन एवर टू वॉक ऑन द मून, यानी कि ये दोनों पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने मून पे वॉक किया। व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड दीज फेमस वर्ड्स, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून पे अपने कदम रखे थे उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे।
दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि भले ही एक ही छोटा सा स्टेप हो मैन के लिए लेकिन मैनकाइंड के लिए बहुत ही बड़ा लीप है. द एस्ट्रोनॉट ब्रॉट बैक 380 kg ऑफ मून रॉक, यानी कि 380 किलो का मून पे पाए जाने वाला रॉक वो वहाँ से लेके आए थे. टेम्परेचर्स ऑन द मून रीच 117 डिग्री सेल्सियस एट मिड डे बट प्लंज टू, यानी कि रात में वो हो जाते हैं -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन द मून. दीज टेम्परेचर्स मेक द मून अ लाइफलेस वर्ल्ड. Artificial satellite. An artificial satellite is a human-made object that has been placed into the orbit around the Earth or some other planet to perform specific function. यानी कि human इंसानों द्वारा बनाई हुई एक ऐसी satellite जिसको हम Earth के बाहर या फिर किसी और planet के बाहर move करवाते हैं so as to perform some specific function. पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन USSR ऑन October 4, 1957. एंड उसके बाद बहुत सारी सैटेलाइट्स का लॉन्च हो चुकी है. मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट वॉज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975. एंड सम अदर इंडियन सैटेलाइट जैसे फॉर एग्जाम्पल इनसेट सीरीज, देन IRS सेटेलाइट सीरीज, कल्पना 1, एजुसेट एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे सेटेलाइट्स ऐसी हैं जिनको हम लोग लॉन्च कर चुके हैं. यूजेस क्या होते हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं या फिर अर्थ है वहाँ का वेदर जानने के लिए, टेली कम्युनिकेशन, सेलुलर फोन्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन्स फैक्स एक्सेट्रा आर अ फ्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन. देन रिमोट सेंसिंग, यानी कि इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन सा मंजिल कहाँ पर लोकेट है, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, लैंड मैपिंग हम लोग कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट और उनके आउटर स्पेस के बारे में. नेविगेशन फॉर प्रोवाइडिंग ज्योग्राफिकल, यानी कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लोकेट है डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 17 चैप्टर यूनिवर्स, ठीक है, जो कि आज हमने कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. सो हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.